हेलो गाइस, दिस इज विजय फोटेकर। तो आज हम बात करने वाले फिर से टेक न्यूज़ के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले न्यूज़ निकल के आती है यामा की तरफ से। यामा लॉन्च करने वाला है अपनी काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो इंडिया का लॉन्च आप जल्दी से एक्सपेक्ट भी कर लो। सो कुछ इसके अंदर एक जो व्हीकल है जो अभी आप पिक्चरों में देख रहे हो, ये आने वाला है 50 cc एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर, जिसकी स्पीड होने वाली लगभग 45 से लेके 50 किलोमीटर पर आ तक। साथ में कुछ पावरफुल स्कूटर्स भी होने वाले हैं, आप तो ये सारे पिक्चर्स में देख भी पा रहे हो। एक यामा का ट्राईटाउन करके एक और एक स्कूटर होने वाला है, तो जिसके अंदर आप आराम से बैठ के कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, आपको बैलेंसिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सो अगली न्यूज़ निकल के देखिए, आज नोकिया की तरफ से नोकिया ने लॉन्च कर दिया ऑफिशियली 6.2 इंडिया के अंदर। काफ़ी सारे दिनों से टीच चल रहा था, एक्चुअली में फ़ोन कब से लॉन्च हो चुका है स्पेसिफिकेशन हम सबको पता है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि फ़ोन के साथ आने वाला है 6.3 इंचेस का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले, 35,000 mAh का बैटरी होने वाला है, स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर होने वाला है, ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप ये फ़ोन लेके आता है अपने साथ। फ़ोन की कीमत 4+64 इसका जो वेरिएंट होने वाला है वो आने वाला है तकरीबन 15,999 रुपये में। फ़ोन की खासियत मैं आपको अगर बताऊं कि आपको अगर लग रहा है कि फ़ोन आपका आउटडेटेड है, प्रोसेसर काफ़ी पुराना है, तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है, जबकि कंपनी आपको हर महीने हर साल नए सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करती है, और कंपनी प्रॉमिस भी आपको करती है कि आपको 3 साल तक लगातार सारे सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं, और कंपनी अपने वादों पे कायम थी। इसलिए कंपनी पिछले साल भी, ये साल भी एक्चुअली नंबर वन पे थी सिक्योरिटीज़ अपने फोन स्मार्टफोन्स में प्रोवाइड करने के बारे में। स्वागत न्यूज़ निकल के देखिए, विंडोज़ 10 को लेके, विंडोज़ 10 का 1909 का अपडेट जल्दी से अवेलेबल हो जाने वाला है। अगर आपने में 2019 का अपडेट अगर इंस्टॉल कर लिया अपने पीसी के अंदर, तो आपको इसे इंस्टॉल करना काफ़ी इजी हो जाता है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको मीडिया क्रिएशन टूल या फिर अपडेट असिस्टेंट के थ्रू पीसी में ये अपडेट आप डाल सकते हो। अगर अपडेट्स का ये न्यूज़ देने के पीछे बस मेरा इतना ही मकसद था कि आप अवेयर रह सको इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि वर्जन एक अगर पीछे छूट जाता है तो सिक्योरिटीज भी पीछे छूट जाती है और वर्नेबल हो जाते हैं हम हैकर्स के लिए। सभी न्यूज़ निकल के देखिए, मोटरोला 1 मैक्रो के लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया फ़ोन 10,000 के तकरीबन लॉन्च होने वाला है, 9,999 इसकी कीमत रखी गई है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और हेलियो P70 प्रोसेसर आता है, 4+64 GB का ये अपने साथ एक ऑप्शन लेके आता है, 13 मेगापिक्सल का इसके प्राइमरी रियर कैमरा है। फ़ोन आता है अपने लेज़र ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ, और साथ में फ़ोन लेके आता है एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का वाइड लेंस। स्प्लैश रेजिस्टेंट IPX2 ये फ़ोन होने वाला है, मतलब IPX2 सर्टिफाइड, आई थिंक कि ये अपने कैटेगरी का बस एक ही फ़ोन है। सो कुछ अच्छी भी चीज़ है, कुछ बुरी भी चीज़ है, लेकिन प्राइस के हिसाब से फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और 4000 mAh किसके अंदर बैटरी होने वाली है। आप जब भी फ़ोन खरीदोगे, मेरा काम है आपको फ़ोन कौन सा लॉन्च हुआ है वो बताना। अगर आपको फ़ोन कभी भी खरीदना है तो आई थिंक आप प्रीफर करो कि जो कंपनी सिक्योरिटी अपडेट्स आपको लगातार प्रोवाइड करेगी वही फ़ोन आप लीजिएगा। सो अगली न्यूज़ निकल के आती है गाइस, MIUI 11 को लेके, जो कि Xiaomi का एक अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बेस्ट होता है एक एंड्रॉयड के ऊपर। सो 16 अक्टूबर को रेडमी का नोट 8 प्रो लॉन्च होने वाला है। सो जब ये फ़ोन लॉन्च होगा ना, तभी ये फ़ोन आने वाला है MIUI 11 के साथ, जो कि बेस्ट होगा एंड्रॉयड 10 पर। सो ये काफ़ी अच्छे सारे फीचर्स अपने साथ लेके आने वाला है, तो अगर आप MIUI के यूज़र हो तो रिचार्ज करने का टाइम आ चुका है। काफ़ी सारे जो फ़ोन्स है MIUI के वो MIUI 11 के अंदर आ जाने वाले। सो अगली न्यूज़ निकल के देखिए, सैमसंग की तरफ से सैमसंग ने एक लॉन्च कर दिया है अपना एक वैक्यूम क्लीनर जिसका नाम है साइक्लोन फोर्स। ये एक ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर है जिसके अंदर आप किसी भी कोने में, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, तो आप घर में जब इसे क्लीनिंग करा रहे हो, ये ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर है, तो ये जब कोने में, इससे पहले का जो वर्जन था वो जब कोने में सफाई करना चाहता था तो वो प्रॉपर हो नहीं पा रही थी। सो अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, कुछ रबर की पैडिंग लगाई गई हुई है, तो आप उसके हिसाब से अभी वो अच्छा वर्क अभी करना शुरू कर देगा। सो आज के लिए बस इतना है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के मेम्बर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो मेरा हौसला भी बढ़ता है। सो आज के लिए बस इतना है।